गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकंड पार्ट नंबर 3 मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे कि मात्राएं क्या होती हैं। फर्स्ट क्लास में हमने स्वर और व्यंजन के बारे में जाना कि स्वर कौन से होते हैं और व्यंजन कौन से होते हैं। स्वर जब व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तब उनका रूप बदल जाता है और उनका बदला हुआ रूप मात्रा बन जाता है। क्या होता है कि जब स्वर व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो उनका रूप बदल जाता है और उनका बदला हुआ रूप मात्रा बन जाता है। ठीक है, तो उनके बदले हुए रूप को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला के जो सभी व्यंजन होते हैं उनमें अ स्वर मिला होता है। कौन सा स्वर मिला होता है? अ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सभी व्यंजनों में कौन सा स्वर मिला होता है? सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है, क्योंकि जो अ स्वर होता है इसकी कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मात्रा किसे कहते हैं? स्वर के लिए निश्चित चिन्ह ही मात्रा कहलाती है। ठीक है, क्या होती है? स्वर जो हमने फर्स्ट क्लास में किए हुए हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर कौन से होते हैं? ए आ ई ई उ री, ये वाले क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ठीक है, स्वर के लिए एक निश्चित चिन्ह, एक निश्चित चिन्ह, ठीक है, क्या कहलाती है? मात्रा कहलाती है। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन है कि स्वर का बदला हुआ रूप क्या बन जाता है? ठीक है, स्वर का बदला हुआ रूप मात्रा बन जाता है। क्या बन जाता है? स्वर का बदला हुआ रूप मात्रा बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर अब मैंने आपको मात्राओं के बारे में बता रखे हैं। यहाँ पे स्वर, मात्राएं, व्यंजन और शब्द, यहाँ पे स्वर दे रखे हैं, फिर उनकी मात्राएं हैं और यहाँ पे हैं व्यंजन। ठीक है, और व्यंजन किन के साथ है? मात्राओं के साथ है। और यहाँ पे उनके शब्द बनाए गए हैं कि मात्रा लगने के साथ के शब्द क्या बन जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट है जैसे अ, अ की कोई मात्रा नहीं होती, तो हम मैंने कौन सा व्यंजन लिया यहाँ पे? क। ठीक है, क व्यंजन लिया है, इसमें क में अ ऐड करेंगे तो क्या बन गया? क। यहाँ पे मैंने क्या किया है? हलंत लगा हुआ है। ठीक है, आधा क है प्लस अ, क्योंकि ये देखो बच्चों, जो व्यंजन होता है स्वर होता है अ। ठीक है, अ स्वर सभी व्यंजनों में ऐड होता है। ठीक है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, हर एक व्यंजन में अ ऐड होता है। ठीक है, क प्लस अ क पूरा बन गया, और इसका क्या वर्ड बनता है? कम। ठीक है, उसी टाइप से जैसे आ, आ की क्या मात्रा होगी? ये वाली। ठीक है, क प्लस आ की मात्रा क्या बन गया? का, और क्या वर्ड बन गया? काम। ठीक है, उसी तरह से आगे है ई, ई की कौन सी मात्रा होती है? ये वाली। ठीक है, क प्लस ई की मात्रा क्या बन गया? की, और क्या बन गया? किताब। ठीक है, और नेक्स्ट है आगे इसी तरह से की, ई, ई की कौन सी मात्रा होती है? ये वाली। ठीक है, इसे हम बड़ी ई, जो छोटी ई नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? ई, और इसे क्या बोलेंगे? ई। ठीक है, इसी टाइप से ये वाला हो गया, क प्लस ई की मात्रा क्या बन गया? की, और ये क्या बन गया? कील, कील, और ये क्या होता है? किताब, किताब और कील। बोलने से बेटा पता चल जाता है कि कौन सी ई की मात्रा लगाई गई है। उसी टाइप से आगे ऊ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, ओ, ओ। ठीक है, इनकी मात्राएं दी हुई हैं और व्यंजन के साथ हैं। फर्स्ट क्लास में हमने 10 खड़ी का किया हुआ था ना, कि व्यंजन, हर एक अलग अलग व्यंजन के साथ मात्राएं लगाई गई थी और मात्राएं लगा के उन्हें बनाया गया था। ठीक है, उसी टाइप से मैंने यहाँ पे क के बारे में आपको बताया कि क व्यंजन लिया है। अब आप आगे क से मतलब कि ख, ग, घ,
जो भी वर्ड व्यंजन आप लेना चाहते हो उसके साथ मात्राएं ऐड करके आप आगे वर्ड बना सकते हो। ठीक है, ये तो होगी मात्राएं। नेक्स्ट आगे अन्य चिन्ह। ठीक है, अन्य चिन्ह में एक तो होता है अंग और एक होता है अहां। ठीक है, अंग की क्या मात्रा होती है? ये वाली। ठीक है, ये वाली ऊपर बिंदी। और इसका क्या, मैंने इसे व्यंजन क के साथ ऐड किया तो क्या बन गया? कंगन। अंग, आवाज आ रही है, कंगन। ठीक है, आगे है अहां। इसे जे मतलब कि इस प प्लस चंद्र बिंदु, इसे चंद्र बिंदु बोल देते हैं। ठीक है, अनुस्वार या अनुनासिक मैं आगे आपको करवाऊंगी मात्राओं के बारे में। तो इसका क्या वर्ड बन गया? पंखुड़ी। पंग अंग पंखुड़ी। ठीक है,